फ्रेंड्स, मैं मुस्कान वापस से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल मुद्र दक्षा पे। एक्चुअली मैं कई दिनों के बाद अपना ये वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए बहुत ही सारा सॉरी, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ओके, हम अपने क्लास 11 के सीबीएसई के चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन पर थे, राइट? इसके पहले के जो टॉपिक्स है वो हम लोगों ने पहले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। ओके, तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से डिस्कशन टॉपिक पे करने वाली हूँ। ओके गाइस, तो हार्ट के बारे में भी मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। इफ यू गाइस हैव नॉट सीन इट, प्लीज गो टू माय चैनल एंड देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके, तो आज की बात हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साउंड ऑफ हर्ट से। दिल की आवाज कैसी होती है? सब लोग कहते हैं कि दिल की आवाज होती है धक धक। नो, एक्चुअली नॉट, दिल की आवाज धक धक नहीं होती गाइस, दिल की आवाज होती है लब डब। दिस इज अ साइंटिफिक व्यू, ठीक है? अब हम साइंस के बच्चे हैं, है ना, तो हम तो साइंटिफिक व्यू देखेंगे, साइंटिफिक लॉजिक देखेंगे, राइट? तो जो दिल की आवाज होती है, दो धड़कने बनती है हमारे दिल में। ओके, फर्स्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के क्लोजर से जो आवाज बनता है वही फर्स्ट साउंड होता है हमारे हर्ट का। ओके, एंड दैट इज लब लब। ओके, व्हाट इज दिस लब? इट्स ड्यूरेशन इज फॉर 0.15 seconds. ओके, नेक्स्ट, द सेकेंड साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। अब अगर आप लोगों को ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व, इन सब के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने इनके बारे में डिस्कस किया है। ओके, तो ये जो सेकेंड साउंड है ये साउंड देता है डब का। ओके, एंड इट लास्ट फॉर 0.1 seconds. ओके, देन आज से आप लोगों को एक बात पता चल गई होगी कि दिल की आवाज धक धक नहीं होती, दिल की आवाज लबडब होती है। तो अब आप धक धक ना बोल करके लबडब बोला करिएगा। ओके, तो ये तो साउंड ऑफ हर्ट था, ये थोड़ा सा पिछले टॉपिक का सा रह रहा था। नाउ आई एम कमिंग टू माय पॉइंट्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में क्या होता है ना, बेड पे पेशेंट को लेटा देते हैं, राइट? फिर उसके बाद आवाज आती है पी 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 पी, राइट? और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, स्टोरी फिनिश, कार्डियक अरेस्ट। अगर हम अपनी साइंटिफिक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोले तो उसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक अरेस्ट गाइस? बोलते हैं ना सॉरी, अगर डॉक्टर सॉरी बोल देता है तो काम खत्म हो जाता है, है ना? तो दैट इज कार्डियक अरेस्ट। मतलब अगर किसी भी इंसान का जो दिल है वो काम करना बंद कर जाए अचानक से, ठीक है, काम करना बंद कर जाएगा मतलब वो इंसान अब है ही नहीं, राइट? तो उसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हमारे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ओके, तो जो बीप 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 पी वाली आवाज आती है ना आप लोगों को, इस तरीके की दिखाई भी देती होंगी आपको, राइट? तो वो ही होता है हमारा ईसीजी। तो आज हम थोड़ा बहुत उसी के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फादर ऑफ ईसीजी कौन है। सबसे पहली बार ईसीजी की स्टडी वगैरह करके यही फादर बने थे ईसीजी के, विलियम एंथोवन। व्हाट इज हिज नेम? विलियम एंथोवन। प्लीज गाइस ट्राई टू स्पेल इट इन ऑर्डर यू कैन गेट द नेम इन योर ब्रेन्स। ओके, विलियम एंथोवन, विलियम एंथोवन है जो फादर ऑफ ईसीजी कहे जाते हैं, इनको ईसीजी का फादर कहा जाता है। कार्डियक अरेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, अब हम बात करते हैं ईसीजी क्या होता है। ईसीजी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वेयर द वर्ड्स कार्डियो कम्स। कार्डियो मतलब क्या होता है? दिल से रिलेटेड। कार्डियक मसल्स के बारे में हमने पढ़ा था, कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो दिल का डॉक्टर होता है, कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफ मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द हार्ट, और उसका जो ग्राफ बनता है दैट इज कॉल्ड ईसीजी। ओके, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज सीन। ठीक है, आप लोगों ने कभी अपने घर परिवार में कर किसी का ईसीजी वगैरह निकला होगा तो देखा होगा कि एक लंबा सा पेपर निकल के आता है, जिस तरीके से बिल्स वगैरह नहीं आते वैसा ही कुछ पेपर निकल के आता है, वो बहुत ही ज्यादा लंबा सा होता है। ओके, तो हम ईसीजी पे बात करते हैं। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ओके, ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विच अकर्स इन द हार्ट, ठीक है, ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान हमारे दिल में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसी को हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करते हैं हम। स्टैंडर्ड ईसीजी में तीन लीड्स होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड
देखिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा के लिख रखा है स्टैंडर्ड। ओके गाइस, स्टैंडर्ड ईसीजी में एक पेशेंट को मशीन से कनेक्ट किया जाता है थ्रू थ्री लिड्स। अभी हम स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें तीन लिड्स होती हैं, एक दो दो जो लिड्स होती हैं वो तो दोनों रिस्ट कलाइयों पे अटैच की जाती है, और एक जो होती है वो लेफ्ट एंकल जानते हैं ना आप लोग, एंकल कहाँ पहनते हैं, पायल कहाँ पहनते हैं, वही एंकल का एरिया होता है। एक एक लिड तो रिस्ट में ऐड की जाती है, जोड़ी जाती है, कनेक्ट की जाती है, और एक लेफ्ट एंकल पे कनेक्ट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर डिटेल्ड इवैल्यूएशन मल्टीपल लिड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। कभी कभी क्या होता है कि जो ईसीजी होता है उसके बढ़िया रिजल्ट्स आने के लिए या फिर और उसको अलग सा मतलब स्पेशल व्यूज के लिए उसमें चेस्ट रीजन में काफी सारे लिड्स को अटैच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ईच पीक, अब हम ईसीजी की बात करते हैं, ईसीजी कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ओके, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल नॉर्मल व्यक्ति का अगर बोला जाए तो इस तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। ईच पिक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर पी टू टी, पी से लेकर के टी तक की रिप्रेजेंटेशन होती है, पी क्यू आर एस टी। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी दिल की एक हर, ये जो हर बम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना इस तरीके के, ये जो हर जगह ये उठा उठा सा दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये अलग अलग एक्टिविटीज को शो करता है। ओके,